दो तीन चीजें झारखंड की जनता ने, दो तीन चीजें झारखंड की जनता ने अलग अलग वर्गों ने मुझे बताई। अभी मैं आदिवासी गांव से आ रहा हूं, वहां पे हमने आदिवासी महिलाओं से बात की और उन्होंने हमें बताया कि पूरे झारखंड में, पूरे देश में आदिवासियों से उनकी जमीन छीनी जा रही है, किसी ना किसी बहाने से। अंत में यह होता है, विकास का नाम लिया जाता है, सड़क बनाने का नाम लिया जाता है, मगर अंत में आदिवासी को पता लगता है कि उसकी जमीन हड़प ली गई है, या किसी एनजीओ को पकड़ा दी गई है, या किसी अरबपति अदानी जैसे व्यक्ति को पकड़ाई दी। तो ये आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा है, उन पे केस लगा दिए जाते हैं। इसी अभी अभी कुछ ही देर पहले एक एनजीओ की जमीन है, वहां पे आदिवासियों की जमीन छीन ली, उनको कॉम्पनसेशन तक नहीं दिया और उनकी जमीन लेकर एनजीओ में डाल दी। उन व्यक्तियों से मैं मिला, फिर अफसर से मिला। तो पहले अफसर मुझे कहते हैं, देखिए ये तो ग्राम सभा की जमीन थी। तो फिर उन्होंने मुझे कागज दिखाया, जो व्यक्ति की जमीन गई उसने कागज दिखाया। तो फिर मैंने अफसर से कहा, भैया ये आप बताओ, ये क्या कागज फर्जी है क्या? ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है क्या? कहते नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो फिर मैंने बोला, फिर ग्राम सभा की जमीन है नहीं, इसी की जमीन है। तो ये पूरे झारखंड में, पूरे जहां भी आदिवासी लोग हैं वहां पे ये हो रहा है। हम एक कानून लाए थे, पैसा कानून था। दो कानून है, एक पैसा कानून, एक जमीन अधिकरण कानून। जमीन अधिकरण कानून में साफ लिखा गया है कि ग्राम सभा से बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती, और अगर जमीन ली जाएगी, भैया नारे मत लगाइए, अगर जमीन ली जाएगी तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा दिया जाएगा। और अगर, मजे की बात सुनिए, अगर जमीन ली गई और 5 साल में उस जमीन का प्रयोग नहीं किया गया तो वो जमीन वापस दी जाएगी। अब झारखंड में लाखों एकड़ जमीन ली गई है, पिछली सरकार ने ली थी, लैंड बैंक बनाया, उसका कोई प्रयोग नहीं किया। तो यहां के आदिवासियों ने मुझे कहा, और सही कहा, कि 5 साल हो गए, ये जमीन अब वापस जानी चाहिए, हमें वापस मिलनी चाहिए, किसका कोई प्रयोग ही नहीं हुआ। तो ये एक आदिवासियों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।